नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम अभिनंदन, सुबह की राम राम, हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ आपको, आपके बड़ों को, घर के और जो बड़े इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके आगे नतमस्तक होती हूँ। आशीर्वाद जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखेगा। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम अभिनंदन। इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का फेसबुक पेज देख रहे हैं। शिव बढ़ाएंगे कारोबार, कारोबार और सावन। अगर आपका कारोबार, व्यापार वैसा नहीं चल रहा जैसा लॉकडाउन से पहले चल रहा था और सडन ब्रेक आ गई है, कई दुकानें, कई ऑफिसेज बंद हो गए हैं और अब आपको डर है कि कहीं जो बची कुची चीज़ है वो ख़त्म ना हो जाए, क्या मैं शिव शंकर की पूजा कर कर, महाकाल की पूजा कर कर अपने ऊपर, अपने व्यापार पर आए हुए इस काल को हटा सकता हूँ? तो जवाब है हाँ। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। किसी भी सोमवार पीपल के पेड़ के पत्ते ले लीजिएगा और 11 पत्ते लेकर उसकी माला बनाकर आप शिवलिंग पर अर्पण करना शुरू कर दीजिएगा। सावन के 4 सोमवार पड़ेंगे, कम से कम 4 सोमवार आप ये उपाय ज़रूर करें। अगर आपकी पत्नी हर मंगलवार को, सावन को मंगला चंडी का पाठ करें आपके व्यापार के लिए, इससे भी आपका व्यापार बहुत अच्छा बढ़ेगा। और वो नहीं करना चाहती तो आप किसी पंडित से भी अपने लिए ये पाठ करवा सकते हैं। आपके जीवन में, आपके कार्य और व्यापार में सफलता पाने के लिए पत्नी से कहें कुछ दिन तक लगातार आपके व्यापार ऑफिस में जाएं और वहाँ जाकर थोड़ी मंदिर, जो आपका मंदिर है ऑफिस अगर आपका अपना है, वहाँ पूजा करें, लक्ष्मी के पैर वहाँ पर नियमित रूप से पड़ें, तो आपका व्यापार जो घाटे में चल रहा है वो फायदे में चलने लगेगा। शिवलिंग पर पूरा परिवार सावन में जल अर्पण करें, अपना अपना लोटा, अपना अपना जल, यानी कि पति पत्नी दोनों एक ही लोटे से जल चढ़ा रहे हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं, पर अपने कर्म हैं। जब पूजा की बात आती है तो हम साथ हो जाते हैं, जब हम खाना खाने बैठते हैं तो हम अलग हो जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप इतना प्यार अपने पति से करती हैं, आपने रोटी खाई हो और उनको फ़ोन करके पूछा, सुनो मैंने दोपहर का लंच कर लिया, तुम्हारा पेट तो भर गया? जवाब होगा नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। हमारे अपने कर्म, हमारी अपनी किस्मत, हमारा अपना भाग्य, हमारे अपनी चीज़ें होती हैं। तो जैसे आप शॉपिंग करने में अलग रहते हैं, जैसे खाना खाने में अलग रहते हैं, जैसे आपको अपनी इंडिविजुअल अपनी गाड़ी चाहिए, वैसे ही एक बार भगवान के लिए भी अपनी शिद्दत करके दिखाइए कि मैं अपना मंदिर अलग जाऊंगा, मैं अपनी पूजा अलग करूंगा, मैं अपने काम, अपने डिसीजंस खुद लूंगा, एंड यू कैन सी द चेंज इन योर लाइफ। तो ये ज़रूर कर लीजिएगा। पूरे सावन एक लोटा जल सावन में जब भगवान शंकर पर आप चढ़ाएं तो उस टाइम पे राम रक्षा स्रोत शंकर भगवान के सामने बैठकर करें और थोड़े से चावल भगवान पर अर्पण करना शुरू कर दें। लेकिन इसके साथ साथ कई लोग ऐसे हैं जिनका कारोबार नहीं है, उन्हें सरकारी नौकरी चाहिए। आपको सरकारी नौकरी चाहिए और आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, आप हर बार एग्जाम देने जाते हैं एक नंबर से रह जाते हैं, तो आप पूरे के पूरे सावन शिवलिंग पर 2 काली मिर्च अर्पण करना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, मैं बिल्कुल होश में हूँ और सही बोल रही हूँ आपको। शिवलिंग पर पूरे के पूरे सावन 2 काली मिर्च अर्पण करने से आपको चमत्कारी रूप से सरकारी नौकरी मिल सकती है और आपके काम हो सकते हैं। अभी मैंने आपको व्यापार के बारे में बताया, अब एक और उपाय। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, जल जब नीचे गिरता है, जिस जगह पर से जल गिर रहा होता है वहाँ एक लोटा रख दें, उस जल को इकट्ठा कर कर अपने ऑफिस में 3 दिन तक छिड़काव कीजिए, और वो जल आप ही चढ़ा रहे हो, आप ही लोटा रखें और अपने ऑफिस में लाएं और उस जल को, तो जितना किसी ने जादू टोना, तंत्र विद्याएं, आपका व्यापार बंद कर रखा है, रास्ते आपके लिए बंद कर रखे हैं, तो वो चमत्कारी रूप से रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। प्लस आपको अपने व्यापार को खोलने के लिए, अपने काम को खोलने के लिए नियमित रूप से रात को सोने से पहले अपने व्यापार में आ रहे घाटे को खोलने के लिए आपको इस पूरे सावन के महीने में कभी भी पंडित जी को बुलाकर, परिवार को बुलाकर सत्यनारायण भगवान की कथा अपने ऑफिस में करानी चाहिए। आपको नवग्रह हवन कराना चाहिए कि मेरे व्यापार में जो घाटा हुआ है वो और घाटा ना हो, और इन सब चीज़ों में ना कोई बहुत ज़्यादा पैसा लगता नहीं, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती नहीं, और पॉजिटिव सोच कर शंकर भगवान के मंदिर सुबह जल्दी उठकर जाना शुरू कीजिए। हालांकि लगता है, मैं आपको बता दूं, जब आप सुबह जल्दी उठना शुरू कर देंगे तो होए चमत्कारी रूप से आपकी आंख अपने आप खुलने लग जाएगी और आपको इस पूजा पाठ में आनंद आने लगेगा। सावन और आपका व्यापार, अगर व्यापार घाटे में लगातार चल रहा है तो एक बार आप ज़रूर गौशाला जाएं, गौशाला जाकर वहाँ से गौमूत्र लाकर अपने व्यापार क्षेत्र में ज़रूर छिड़काव करें और नहाने के पानी में भी गौमूत्र डालकर नहाना शुरू कीजिए। आपकी जो बुद्धि बंधी हुई है, आपका जो व्यापार बंधा हुआ है, वो एक चमत्कारी रूप से खुल जाएगा और आपको काम के ऑफर्स आने शुरू हो जाएंगे। अपने व्यापार के बारे में किसी से ज़्यादा डिस्कस मत कीजिए, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसके बारे में ज़्यादा लोगों को मत बताइए, इससे हाय और नज़र लग जाती है और चलता हुआ व्यापार कई बार बंद हो जाता है। अपनी बहन और बेटी के घर में सावन में हरी चूड़ियाँ, झूला और उसके लिए जो घेवर होता है सावन की मिठाई, वो ज़रूर भेजिए, इससे भी आपका व्यापार जो बंधा हुआ है वो चमत्कारी रूप से खुल जाएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, वीडियो को शेयर कीजिए, इससे भी आपका व्यापार खुल जाएगा। जय माता दी।
नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायराकी और फिर से आ गया सावन का महीना। अब सावन का महीना आया है तो आपके लिए मैं महामृत्युंजय की पूजा कराऊंगी, ऐसा आप सोच रहे होंगे। इस बार मैं आपके लिए और भी बड़ा सरप्राइज लेकर आई हूं। आप तुरंत पेन और कागज़ उठाएं। पेन लाल रंग का होना चाहिए और कागज़ सफ़ेद रंग का होना चाहिए। और आपका नाम लिखकर अपनी जो भी विश है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 विश, जो भी विश है उसे इस कागज़ पर लिख दीजिए और इस कागज़ को इस तरह से मोड़ दीजिए। फिर इस कागज़ को दोबारा इस तरह से मोड़िए और मोड़ने के बाद ये जो पवित्र धागा है मूली का, इसके ऊपर इस तरह से बांध दीजिए। ठीक है, इस तरह से बांध दीजिए और इस धागे को फिर तोड़ लीजिए। अब ये आपकी विश, मन्नत, आपके नाम और गोत्र के साथ हम तक जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कोरियर कर कर पहुँचा दीजिए। और ये मेरा एड्रेस है, दिस इज़ माई कम्प्लीट एड्रेस विद माई फ़ोन नंबर्स। जितनी जल्दी हो ये सावन से पहले आपके नाम और आपकी विश पहुँच जानी चाहिए। हम आपकी विश नहीं खोलेंगे, हम आपकी विश बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। इस बार मैं आप लोगों के लिए करवाने जा रही हूँ 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा। 12 ज्योतिर्लिंग बनेंगे, उनका महाबड़ा एक बहुत बड़ी स्वरूप में पूजा होगी, रुद्राभिषेक होगा। लाइव जुड़ूंगी आपके साथ और आपकी पूजा के बाद उन 12 ज्योतिर्लिंगों पर आपका ये धागा खोलकर आपके इस कागज़ और विष को मिट्टी के शिवलिंग पर चिपका दिया जाएगा, सीधा संपर्क भगवान से। और हम आपकी महाबारह ज्योतिर्लिंगों की पूजा कराएंगे, जो हर इंसान का कराना एक सपना होता है, जिसमें लाखों रुपए का खर्चा आता है। मिट्टी के 12 ज्योतिर्लिंग बनेंगे, उनका श्रृंगार आएगा, उनकी आँखें आएंगी और उनके ऊपर समस्त चीज़ें अर्पण की जाएंगी। इसमें आपको अपने कागज़ के अंदर 104 रुपये आपको डालकर भेजने हैं। और प्लीज़ बैंक अकाउंट में अगर आप पैसे भेजेंगे तो हम वो पैसे आपके अकाउंट में वापस रिटर्न कर देंगे, क्योंकि आपकी विश, आपके पैसे जिस दिन पूजा है उसी दिन खोले जाएंगे, उससे पहले नहीं खोले जाएंगे और आप ही के पैसे से ये पूजा कराई जाएगी। इस बड़ी पूजा का हिस्सा बनने के लिए आप जल्द से जल्द हमसे संपर्क करें। आपकी विशेज़ का इंतज़ार रहेगा और विशेज़ आपकी उसी दिन पूजा पर खुलेंगी। किस दिन होगी ये पूजा, ये जानकारी आपको मेरे चैनल पर जल्द से जल्द मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल खत लिखना भेजिए। और हाँ, अगर पैसे नहीं हैं आपके पास तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको पैसे भेजने कंपलसरी हैं, मैं हूँ ना। अगर जिनके पास पैसे नहीं है उनके पैसे मैं अपने परिवार की तरफ से खुद दूंगी, क्योंकि ये पूजा आपके भेजे हुए सब लोग भी पैसे भेज दें तो भी नहीं हो सकती, बड़ी पूजा बड़ा खर्चा है। बस मैं चाहती हूँ आपकी कमाई, आपका पैसा शिवलिंग पर सीधा जाए, पंडितों के पास जाए और आपको उसका फल पूरी तरह से मिले। तो जो भी आप कर सकते हैं, 4 रुपये भी भेज सकते हैं तो 4 रुपये भेज दीजिए, लेकिन आप देने में समर्थ हैं और आपकी आर्थिक स्थिति सही है तो कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि अगर आप कंजूसी करेंगे तो ऊपर वाला भी कंजूसी करेगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, लेकिन जल्द से जल्द अपनी विश बड़े खूबसूरत लाल रंग के पेन से लिख कर और मूली से बांध कर सफ़ेद कागज़ में जितनी जल्दी हमारे पास भिजवा सकते हैं उतनी जल्दी भिजवा दीजिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वायराकी, आप मुझसे बात कीजिए, फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी जिंदगी के अंदर आएगा जबरदस्त बदलाव।